नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे द्वार के सामने ही दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा ये बगीचा टाइप का है, तो इसी में दोस्तों अजूबा का पेड़ है। तो अजूबा को हम आज रेसिपी बनाएंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ज़रूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए, पान के पत्ता जैसा इसका पाती होता है, पास से देख लीजिए। और देखिए ढेर सारा ये देखिए चढ़ता है एक दूसरे में से कल्ली करके। तो अजूबा दोस्तों देखिए पत्ती के बगल में भी फरता है ऊपर तक चढ़कर, और ज़मीन में भी फरता है। तो ज़मीन में हम आज खनेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो जड़ है मोटी मोटी, तो इसे हम खनते हैं। तो चारों तरफ से पहले मिट्टी को निकाल देती हूँ, जैसे ये अजूबा हमारा कटे ना। तो चारों तरफ से हमने खन दिया है, चलिए दोनों पेड़ पकड़ के उठाते हैं हम। एक यहीं पर रह गया, ये देखिए इतना बड़ा सा निकला हुआ है। इसे भी खनते हैं। तो अजूबा दोस्तों आप लोग अजूबा ही हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताना। इसे ढेर सारी तो दोस्तों हमारे यहाँ रेसिपी बनती है, तो आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इस बगीचे में दोस्तों ढेर सारा पेड़ है, एकदम जंगल जैसा दिखाई पड़ता है, सामने ही है हमारे घर के। तो चारों तरफ से हमने खन लिया है, ये देखिए इतना ढेर सारा बड़ा निकला हुआ है। तो ऐसे ही हम खन लेते हैं, चलिए दूसरे पेड़ को खनते हैं। तो चलिए दूसरे पेड़ तरफ चलते हैं। यहाँ पे डलैया रख के आप लोगों को दिखा देते हैं, कई पेड़ यहाँ पे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए चार पांच पेड़ है, एक यहाँ पे है सिंगल और यहाँ पे दो है। चलिए इसे खनते हैं। तो अजूबा का ढेर सारा जड़ रहता है देखिए, इसलिए मैं दूरी से खन रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों हमने खन लिया है अजूबे को। ये देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, सूरन जैसा दोस्तों ऊपर से लगता है, पर खाने में स्वाद दोस्तों सूरन जैसा नहीं रहता है, अलग रहता है। ये तो सड़ा हुआ है देखिए, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, दूसरे को खनते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो पानी चला गया तो सड़ गया है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, तो हमने ज़रूरत के हिसाब से तो खन लिया है अजूबे को। तो अब हम चलेंगे इसे अच्छे तरीके से धोएंगे। तो ढेर सारा इसमें मिट्टी लगा हुआ है, इसे अच्छे से धो देते हैं। तो इस समय दोस्तों बरसात हो रही है, तो इसलिए ढेर सारा मिट्टी चिपका हुआ है। जब बरसात नहीं रहती है तो बहुत ही साफ साफ निकलता है आलू जैसा। मिट्टी को हमने अच्छे से धोकर छुड़ा लिया है, तो ये देखिए इस तरह थोड़ा सा काला दिखाई पड़ रहा है, इसे हम काट देते हैं जड़ को। तो इसे भी काट देते हैं। देखिए अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सूरन जैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए ख़राब हो गया है, इसे ये भी इसे भी हम फेंक देते हैं। तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा काट कर। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया है। तो जाली को हम तोड़ देते हैं थोड़ा सा, जितना टूट रहा है उसे तोड़ देते हैं। तो अजूबे को हमने धो लिया है, अब हम चलेंगे चूल्हे के पास। तो आग को हमने जला लिया, इस पे रख देते हैं भगोना, और दोस्तों इसमें हम अजूबे को उबालेंगे। तो अजूबे को दोस्तों हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही उबालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रेसा रेसा लगा हुआ है तो लग जाएगा उसमें, ऐसे ही हम उबाल देते हैं। तो अजूबे को हम भगोने में रख कर इसमें हम डाल देते हैं पानी उबलने के लिए। तो ढेर सारा पानी डालेंगे कि दोस्तों के देखिए बड़ा बड़ा है, तो अच्छे से पक जाएगा। तो
तो आज को हमने तेज कर दिया है और ढककर इसे हम तेज आंच पर उबालते हैं। तो ढक्कन हटाकर हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए 10 मिनट तक हमने अच्छे से उबाला हुआ है, तो चलिए देखते हैं कितना ये पका हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पक रहा है, बहुत ही अच्छे से ये पकता है। इसे हमें 10 मिनट तक और उबालेंगे जैसे अच्छे से उबल जाए। तो पानी अगर कम होगा तो पानी हम इसमें दोबारा डाल देंगे उबलने के लिए। तो चलिए दोबारा चेक करते हैं। तो देखिए पानी कम हो गया है, तो ये पक भी गया है अच्छे से। इसे हम निकाल देते हैं, तो चक्कू में से धसा धसा कर हम बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो इसका छिलका अब उतार लेते हैं। उबलने के बाद बहुत ही अच्छे से छिलका उतर जाता है। तो अजूबा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं चक्कू से छिलके को उतार लेती हूँ। तो ऐसे काट देते हैं, थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने छिलके को उतार लिया है। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप लोग उबाल कर और भून कर भी रेसिपी बना सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में दोस्तों हम काट देते हैं, ठंडा हो जाए उसके बाद हाथ से इसे मलेंगे हम। तो मिर्चे को हम काट लेते हैं। तो चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम लगा देते हैं मिर्चे का तड़का। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बड़ी, बड़ी को हल्का से तोड़ देते हैं। तो दोनों साथ में अच्छे से भूनते हैं। तो मिर्चा हल्का सा पक चुका है, तो इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा गर्म मसाला। तो इसे भी साथ में अच्छे से भूनते हैं। अब हम तेल में डाल देते हैं अजूबा, तो इसे भी अच्छे से तेल में भूनते हैं। तो देखने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका कलर, और हल्का सा हमने इसमें मसाला डाला हुआ है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसी समय नमक। तो स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं, तब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं लाल मिर्चा। तो तेल में थोड़ा सा अच्छे से हम पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप लोग दोस्तों सूखा ही बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तब बनाऊंगी सब्जी इसकी। तो इसे हम ढक देते हैं। तो ढक्कन हटाकर हम इसे देख लेते हैं। देखिए 2 मिनट तक इसे हमने तेल में पकाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों कलर लग रहा है। तो इसमें हम हल्का सा डाल देते हैं पानी। तो धीमी आंच में इसे ऐसे ही पकने देते हैं। तो अजूबा की सब्जी हमारा बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे रोटी के साथ, पराठा के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आज हमने बनाया है अजूबा की सब्जी दोस्तों बहुत ही अच्छे से। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक रखे इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।